श्री शिवाय नमस्तु। ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत, उनके लिए पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, बैसाख महीने की प्रदोष। प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक बैसाख मास की प्रदोष। दूसरा प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष है। दिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है, वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है, लौंग मात्र अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है इसी का, तब एक बार दिल से उसको नमन कर दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर जाना, निवेदन कर जाना करेगा। तो शंकर भगवान की जो सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है, जैसे कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं होता तो मन कहां, शंकर भगवान का जो पूरा जलाधारी है या भगवान शंकर का जो स्वरूप है, मान लो ये शिवलिंग है, अच्छे से समझ लेना, भगवान शंकर का ये शिवलिंग, ठीक है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक शिवलिंग के अंदर, पूरी जलाधारी के अंदर पूरा परिवार। शंकर भगवान के पानी गिरने वाली जगह में बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, आप लोग कभी शंकर जी के मंदिर जाकर देखना, एक मोटी सी लाइन होगी, और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई बच्चा कोई बच्ची अगर शादी नहीं हो रही हो, या कोई एग्जाम देने बैठ रहा है, सीए का एग्जाम दे रहा है या किसी चीज का एग्जाम दे रहा है, और बच्चा पास नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा, तो जो अशोक सुंदरी वाली लाइन होती है ना, उस अशोक सुंदरी की लाइन पर अगर कुंकू चढ़ाकर और लाल पुष्प चढ़ाकर उसी कुंकू का तिलक लगाकर बालक या बालिका चले जाते हैं तो वो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं जिस परीक्षा में वो गए। अशोक सुंदरी के स्थान की इतनी महत्व, अशोक सुंदरी के स्थान का इतना महत्व, इतनी महत्व। शंकर जी पे जल कितनी जगह चढ़ता है? 5 जगह पर शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है। पूरी जिंदगी आप शिवलिंग पर कितना भी पानी ढोल लेना, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे। सावन महीने जाके कितना भी अभिषेक कर लेना, शिव प्रकट नहीं होंगे। शंकर को 5 जगह जल चढ़ता है, पहला गणेश के स्थान पर जहां से पानी बहता है वहां, दूसरा कार्तिकेय के स्थान, तीसरा कटी भाग, चौथा शंकर जी के शिवलिंग, और 5वां जलाधारी में जल को समर्पित करा जाता है। 5 जगह पर जल को समर्पित कर देने से शिव की करुणा प्राप्त होगी, और तुम पूरी जिंदगी ले जाकर शंकर जी पे जल छोड़ो कभी पूर्णता नहीं। ऐसा जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूँ और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूँ मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाए, शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर का, ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना करकर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानो। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर स्मरण कर आता है,
ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ शिव कृपा होने लगता है। चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है उसके बाद लेकर कौन से दिन जम के बोलो जरा प्रदोष समय प्रदोष काल लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में बहुत बहुत टेंशन। अब ओम अक्षर का नाद मूल होना, आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ना। जब विषम परिस्थिति आ जाए ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें, धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाए अपने घर से, 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना, 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी सरोवर तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़ कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते, शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग, भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप अलग।